दोस्तों, मैं अनुराग ओझा, मैं मौजूद हूँ उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में। इधर एक तरफ योगेंद्र चंदोलिया जी हैं तो दूसरी तरफ उदित राज जी। भाजपा और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन बेहद जरूरी है साहब, कि इस बार सरकार किसकी बन रही है? क्या नाम हो भैया? राज जी। राज, राज भाई, कौन जीत रहा है? इंडिया, हिंदुस्तान की जीत हो रही है। हिंदुस्तान की जीत हो रही है, क्योंकि इस बार जो चुनाव हो रहा है वो मोदी वर्सेज हिंदुस्तान की जनता, मोदी वर्सेज हिंदुस्तान, हाँ, की कोई कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं हो रहा। इस बार हिंदुस्तान की जनता उसके अगेंस्ट खड़ी हुई है और इस बार मोदी जी के खिलाफ पूरे हिंदुस्तान की जनता उतरी हुई है और हिंदुस्तान की जनता इस चुनाव को लड़ रही है। लेकिन बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम फिर साथ के साथ सीट जीत लेंगे। बीजेपी अब भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई है। बीजेपी का फुल फॉर्म है जी भारतीय जुमला पार्टी। जुमला देने में इन्होंने पीएचडी कर रखा है इन्होंने। हाँ, इनसे जुमले जितने ले लो, बस काम मत लो। काम मांगोगे तो फिर वो बिगड़ जाएंगे। जुमला जितनी ले लो, जुमला इनका तैयार होता है। तो ये जुमला पार्टी है जी, बस ये जुमला पार्टी बन के रह गई है। काम के ये है नहीं, बस बातें इनसे जितनी ले लो। और ये बात आपको पता होगा, काम करने वाले बोलते नहीं है और जो बोलते हैं वो करते नहीं है। जो गरजता है वो बरसता नहीं है। वही है, वो कहते हैं ना, वो कहते थे ना कि मनमोहन सिंह जी बोलते नहीं थे। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि लाला, जिनकी बातों में दम होता है ना, वो महफिलों में चिल्लाया नहीं करते। तो जाहिर सी बात है, मनमोहन सिंह जी का काम बोलता था, वो खामोशी से काम करते थे, और इनका जुमला बोलता है काम कुछ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया पर बस बस। और इस बार का जो चुनाव इनसे जो बीजेपी से जो लड़ रहे हैं वो कोई कांग्रेस की पार्टी नहीं लड़ रही है। इस बार का चुनाव इनसे लड़ रहे हैं वो हर एक महिला जिसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो मणिपुर की महिला वो लड़ रही है। जिसके दिल्ली के चुनाव की बात करो, मणिपुर में नहीं, नहीं, मणिपुर भी हिंदुस्तान में ही है। मोदी जी को भले वो लगता होगा कि वो हिंदुस्तान में नहीं है, इसीलिए वो कुछ बोल नहीं पाया आज तक मणिपुर के लिए। मैं तो बोलूंगा जी, क्योंकि मैं उन मणिपुर को भी हिंदुस्तान का ही एक हिस्सा मानता हूँ। और दिल्ली की जनता भी अगर जब वोट करने जाएगी, मैं एक ही दिल्ली की आवाम से मैं इतना अपील करूंगा कि जब भी आप वोट देने जाए तो उन महिलाओं को एक बार जरूर याद करना जिसके साथ दुष्कर्म हुआ और मोदी जी खामोश थे। उन पहलवान बहनों को भी एक बार जरूर याद करना कि जिसके साथ इतने अत्याचार हुए और मोदी जी चुप थे। तो मैं दिल्ली की आवाम से भी ये अपील करूंगा। तो यहाँ पे बताइए, चंदोलिया साहब या उदित राज जी? उदित राज जी जी अच्छे छवि के नेता हैं। हाँ। और एक तो वो दलित समाज से आते हैं और जो मोदी जी की जो नीति थी दलितों को और पढ़े लिखे एजुकेटेड लीडर को हटाने का काम किया इन्होंने। और उदित जी अब जाकर के सही पार्टी में आए हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन हमेशा एजुकेटेड लीडर को प्रमोट करने का काम किया है। तो इंडिया गठबंधन हमेशा बिल्कुल एजुकेटेड लीडर को प्रमोट किया है। क्या नाम हो भैया? मेरा अनवर। अनवर, तो इस बार क्या लगता है? ठीक है, धन्यवाद, अब करते हैं 2 मिनट रुकिए। क्या नाम हो भैया? अनवर अली। अनवर भाई, यहाँ पे उदित राज या फिर भाजपा? भाई अगर उसकी समाज के इतनी बात की जाए तो डॉक्टर उदित राज बेहतर हैं। डॉक्टर उदित राज बेहतर हैं, वो काम करके देंगे और अच्छा बोलते हैं, और जो भी कभी भी उनका बात करने का तरीका है बहुत अच्छी तरीके से बोलते हैं। बीजेपी ने जुमलेबाजी के सिवा कुछ कराई नहीं। तेज बोलिए थोड़ा। मैं कह रहा हूँ बीजेपी ने जुमलाबाजी करने के बाद कुछ कराई नहीं है, सब जुमले है। 15 लाख मिले नहीं मिले? 15 लाख नहीं मिले, किसी को नहीं मिलेगी। अच्छा, रोजगार सरकार बोली थी कि हम रोजगार देंगे, रोजगार दिया था कि नहीं? कुछ भी रोजगार नहीं है। ये सी ब्लॉक मार्केट है, मैं करीबन 12-13 साल से काम कर रहा हूँ। कांग्रेस के टाइम में यहाँ बहुत अच्छा काम हुआ करता था, अब नहीं है कुछ भी। बस यही है, जुमलेबाजी है, लोग फंसे पड़े हैं धर्म जात की राजनीति में। धर्म जात की राजनीति, हाँ, और कुछ भी नहीं। तो इस बार उचित राज जी जीते? बिल्कुल बिल्कुल, उनको सपोर्ट करना चाहिए। अगर विकास चाहिए तो कांग्रेस और गठबंधन सरकार को जिताना चाहिए। अगर विकास चाहिए देश में, अगर विकास चाहिए तो गठबंधन। बिल्कुल। क्या नाम हो भैया? कविंदर कुमार भैया। कहाँ से हैं? हम बिहार से। यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? यहाँ 1 महीना हुआ है। घूमने के लिए आए? घूमने के लिए। चलिए ठीक है, बिहार की राजनीति ठीक है? ठीक है। कौन जीत रहा है बिहार? बिहार मोदीया सरकार जीतेगा। मोदीया सरकार जीतेगा जी। चलिए, क्या नाम हो भैया? विनय। विनय भाई, कौन जीत रहा है आपके यहाँ? मोदी। मोदी, मोदी जी से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है मेरा भाई। तो कौन यहाँ से सांसद आपके लड़ रहा है बीजेपी? मैं याद नहीं आया, सुल्तानपुरी गाँव में। सुल्तानपुरी में भी यही आता है, यही वाला आता। तो कौन लड़ रहा है सांसद यहाँ से? सांसद जो प्रत्याशी है सांसद का, उसका नाम क्या है बीजेपी का? पता नहीं भाई, मेरे को पता ही नाम नहीं पता है। तो मोदी जी को जानते हो? मोदी को। नाम मोदी पर वोट करोगे? 5 साल हर बार वोट आते हैं, ठीक है। 5 साल में कोई भी नेता
या कोई भी नेता हो, कोई भी आता है, जो हम लोग मजदूर लोग गरीब लोग है ना, ये वहीं के वहीं रहते हैं हम लोग। हम कभी बढ़ नहीं पाते ना, बढ़ा पाते हम लोगों को, सही बताओ भाई, गरीब गरीब ही रहेगा ऐसे। इनका जो सांसद प्रत्याशी उसका नाम तो इनको बता, इनको अभी तक ये भी अभी इनको पता होना चाहिए ना, मेरे को पता ही नहीं है भाई। तो भाई तो जब आपको पता ही नहीं है तो फिर किस हिसाब से आप वोट करेंगे, यही देश का दुर्भाग्य है। अरे दुर्भाग्य नहीं, यही नहीं है मेरे पास अभी, मैं तो बोल रहा हूँ। तो फिर कैसे बोल दिया, जब आपका अभी तक वोटिंग वोट नहीं बना, फिर आप कैसे अपनी बात को रखे हो। वही ठीक है, मुद्दे पर बात करते हैं और भी लोगों से। क्या नाम है भैया? विनोद। इस बार कौन जीत रहा है? कमल ही जीते थे भाई। और कमल, क्या नाम हो भैया? मेरा नाम हबीब हुआ है। यहाँ आपसे क्या लग रहा है, किसका माहौल बनेगा आगे? अधीर यहाँ तो लग रहा है कांग्रेस जीतेगा। कांग्रेस जीत रहा है, उदित राज गठबंधन, आप लोग वोट दे रहे हैं गठबंधन को? जी देंगे। मुद्दा क्या है आपका इस बार, मुद्दा क्या होने वाला है आपको? मुद्दा क्या बताएंगे, अब जो है तो देखा जाए। महंगाई है? महंगाई तो बहुत है। बेरोजगारी? बेरोजगारी में भी बेरोजगार घूम। आइए बात करते, क्या नाम है आपका? मेरा विष्णु। विष्णु? हाँ, भगवान विष्णु। लाख रुपए कमा रहे, काजू बादाम खा रहे मोदी के राज में, और क्या चाहिए यार, लाख रुपए कमा रहे। हाँ, पहले पहले हवा करते करते परेशान थे, पटरियां देख लेते, पटरियां 4 रुपए की कॉल कर रहे थे, कहा अब तो बड़ा दिक्कत हो गई है, डेली की फ्री की कॉल कर पा रहे हैं, बहुत परेशान है, बदमाशी खत्म होती जा रही है, बहुत ही दिक्कत है यार। इतनी 1000 उन्होंने योजना चला दी यार। कौन सी 1000? बहुत सी चला दी, जन औषधि चला दी है, जनऔषधि चला दी है, कल्याण कृषि का आत्मनिर्भर भारत चला दी है, ट्रेनें 37 किलोमीटर रोड बन रही है डेली यार, 37 किलोमीटर डेली बन रही है। और एक बताओ, सेना के लिए बताओ, ड्रोन वगैरह दे दिए है, पंडुपी दे दिए है, विक्रांत दे दिया है, सारा पैसा हमारा सही जा रहा है। और आप भैया बहुत एंटी वो मोदी बहुत बढ़िया काम करते हो, मुझे पता है। हाँ, मैं बढ़िया काम, अरे बहुत बढ़िया, आप कांग्रेस के पूरे पूरे वो हो, आप इस चीज तो मानते हैं कि मैं बढ़िया काम कर। अरे आप राहुल गांधी के बिल्कुल खास बंदे हो, मोदी जी के तो आप भी खास हैं यार, खास सब खास ही होते हैं, हम वो देते हैं। क्या भैया, ये मोदी हम पैसा देते हैं मोदी को। क्या नाम हो भैया? विशाल। वोट है इस बार? नहीं, मेरे पापा गए, मान लो हम ही बताएंगे, वही डालेंगे। अच्छा, इस बार यहाँ किसका माहौल बन रहा है? मोदी का। यहाँ पे सी ब्लॉक के अंदर केजरीवाल का है, लेकिन जो बंदे ज्यादातर मतलब जो एजुकेटेड है उसके अकॉर्डिंग मोदी का। नमस्कार सर। नमस्कार, मेरा नाम मंजूर आलम है। तो इस बार किसको जिता रहे हैं आप? देखिए, इंडिया गठबंधन या बीजेपी? जी इंडिया गठबंधन है। इंडिया गठबंधन जी। तो आपको उदित राज जी पर विश्वास है इस बार? जी उदित राज पर विश्वास है आपको, इंडिया गठबंधन का? बिल्कुल, क्यों नहीं रहेगा सर। चंदोलिया साहब का काम है, बीजेपी का? वो तो गया गया गया, जैसे राहुल जी कहते हैं गया गया, आप भी कह रहे हैं गया। जी, 4 चरण का जो चुनाव हो गया है उसके बाद मोदी जी को आपने देखा है? इस बार आपके मुद्दे क्या क्या होने वाले हैं सर? किन मुद्दों पर आप लोग वोट देंगे? बेरोजगारी, महंगाई कम होनी चाहिए, महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। जीएसटी हटना चाहिए, जीएसटी के वजह से सामान महंगी हो रही है, और आम पब्लिक को ही जीएसटी देना पड़ता है। बड़े बड़े लोग नहीं दे रहे जीएसटी, एक सुई भी लो, एक माचिस भी लो, तो आम पब्लिक को ही देना पड़ता है जीएसटी। तो आम पब्लिक मारी जा रही है ना, बड़े बड़े लोग बड़े हो रहे हैं, गरीब इंसान गरीबी हो रहा है। इस बार आप वोट किसको देंगे? वोट तो मैं यहाँ देती नहीं हूँ, बिहार में देती हूँ, वोट छूट गया, बिहार में देती हूँ ना, मैं यहाँ हूँ। मतलब मोदी नहीं पसंद है? मोदी पसंद की बात नहीं है, कोई भी जनता कोई भी नेता है, पर नेता है ना जब पब्लिक को फायदा दे, पब्लिक को फायदा दे नेता हो चाहिए। हाँ, कोई भी नेता। आप बता रहे थे? जी सर यही सेम। जी चाचा, मेरा नाम प्रहलाद कुमार है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ। ऐसे है, मोदी ने क्या नहीं करा? लोग कहते हैं महंगाई है, घर में 10 मेंबर है तो 15 फोन है, 1500 का 300 रुपए के साथ 4500 रुपए खर्च होता है। क्या 5 फोन लेके नहीं कर सकते गुजारा? क्यों नहीं कर सकते? महंगाई कहाँ से है? दारू पीने जाओ तो अंग्रेजी की दारू पीते हैं, देसी पीते हैं, महंगाई है। सिनेमा की जाएंगे 400 रुपए की टिकट लेंगे, महंगाई है। क्या कहोगे, कह रहे महंगाई नहीं है? देखो, महंगाई जब यही मोदी जी हैं जो 2014 से पहले जो चश्मा लगाते थे, जहां उनको साफ साफ महंगाई और बेरोजगारी दिखती थी। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से, क्या वो चश्मा अडानी को बेचा है क्या?
अरे चश्मा अडानी को भेज दिया। 2014 से पहले मोदी जी को महंगाई क्यों दिखती थी, वो बेरोजगारी क्यों दिखती थी? नहीं 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 बात रखो, मनमोहन जी भी बुजुर्ग थे मोदी जी। मैं क्लियर करता हूँ, चाचा को बोलने दीजिए, चाचा को बोलने दीजिए। मैं ये जी भैया, मोदी जी से ज्यादा झूठ कोई नहीं बोलता इस देश के अंदर। सबसे बड़ा झूठा है नरेंद्र मोदी, सबसे नंबर वन का झूठा है नरेंद्र मोदी, इस देश का प्रधानमंत्री। इससे बड़ा कोई झूठा नहीं है इस देश में। अब बताइए, नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई झूठा नहीं है इस देश के अंदर। 24 घंटे झूठ, कितना झूठ बोलेगा भाई, 24 घंटे झूठ झूठ झूठ। इतना झूठ नहीं बोलना चाहिए प्रधानमंत्री। झूठ बोलो सुबह शाम, सुबह शाम झूठ झूठ। उठे तो झूठ, उठो तो झूठ। तो मतलब उठते हैं तो झूठ, देखते हैं तो झूठ। झूठ में इनकी सरकार चल रही है 10 सालों से। इस बार आप कुछ दे रहे हैं, कौन सच बोल रहा है? आज तक कितने सरकारें रही है? कन्हैया कुमार सच बोल, कन्हैया कुमार सच बोल। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह बोलता है वो। अरे वीडियो लेकर मुक्के पर बात करो चाचा, यही वाला। हां मैं समझाऊंगा, ये नरेंद्र मोदी आ रहे हैं क्या? इधर देखिए, इधर आइए ना, ये मत बोलिए, इधर देखिए। उनकी झोले की तैयारी रखो आप। अरे इधर देखिए, अरे भाई साहब आप उनकी झोले की तैयारी रखो, एक झोला लेके जरूर चलो आप। ओ 4 तारीख को उनको झोला देना है आपको। चलते रहो जी नरेंद्र, चलो। हाँ यार है ना झोला, बिल्कुल तैयारी रखनी है झोले की। लेकिन झोला कौन उठाएगा? नरेंद्र मोदी जी कंधे में लेके निकलते बनेंगे आप। बोलो नरेंद्र मोदी, जो नरेंद्र मोदी जी है तो उनको बोली है कि सब गरीब भाइयों बहनों को चैन से रहने दे। यहाँ छोटे छोटे भाई है गरीब। कैमरा गिराओ भाऊ जी, यहाँ कैमरा। ये जो है ये सारे गरीब इंसान है, सारे गरीब इंसान है। खाली झूठ पे झूठ बोले जाते हैं, हैं गरीब इंसान है। तो केजरीवाल ने पानी का बिल फ्री करवा दिया, सही है, स्कूल बनवा दिए। मोदी जी ने क्या करा है फिर? अरे मोदी जी ने सब कुछ चंगा किया है। अरे मोदी जी, मेरे को आज तक पता ही ना लगा कहाँ गए मोदी जी, मेरे को तो दिखा ही नहीं। और कुछ कहना है? नहीं और कुछ नहीं, अंकल जी से बात करो। चलो ठीक है, अब बताइए। और भी तो है, औरों से भी तो लो भाई, आओ आओ। लड़का समझ गया है कि झोला जाने वाला है। हमें तो लग रहा है भाई उनकी विदाई हो रही है। विदाई हो रही है? कहाँ से है आप? हम तो बिहार ऐसे ऐसे है। अच्छा यूपी और बिहार वाले भी? यहाँ भी वोट है हमारा, बिहार का वोट नहीं है, हमारा वोट यही का है। दौसित राज साहब को वोट दे? बिल्कुल देंगे, उनको जितवाएंगे। जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, बिल्कुल जीतेगा। चाचा लेकिन कह रहे मोदी जी सब कुछ बढ़िया कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कौन सी सरकार झूठ नहीं बोली ये बताओ मेरे को। इनसे ज्यादा कोई नहीं झूठ बोला जितना ये बोले है ना। मनमोहन सिंह ने इतना बोला, मनमोहन सिंह ने इतना बोला, 50 साल से राम मंदिर ने मेरा बोल दो। अब कहां से बन गया? इंडिया को कोई पूछता नहीं था। बोलो ना आप, इंडिया बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे साल में, दिया इन्होंने? दिया। बोला था गरीबी खत्म करेंगे, किया? कौन सी सरकार ने किया? नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा झूठा नहीं है कोई भाई। देखो माहौल गर्म है, सियासत चलती रहेगी, महंगाई बेरोजगारी शिक्षा वास्तविक मुद्दा है, सब लोग गरमाए हुए हैं। कोई कह रहा है कि मोदी जी झूठा है, कोई कह रहा है कि मोदी जी ये हैं, कोई कह रहा है मोदी जी ने विकास किया है। पूरी बातचीत पर प्रतिक्रिया क्या है, प्रतिक्रिया जरूर दे। धन्यवाद।